जब भी हमारी कल्पना सच होती है तो यकीन मानिए और भी ज़्यादा कल्पनाओं में जीने का मन करने लगता है। जब भी इंसान कल्पना करता है या फिर सोचता है तो ही उसे पूरा भी कर पाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो पूरे एक दिन के बाद आप लोग से मिल रहे हैं और मेरा ब्लॉग हमेशा एक दिन बाद आता है, मतलब बीच में एक दिन गैप होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पूजा पाठ हो गया और अब नाश्ता में बनाने जा रहे हैं सब्जी यहाँ से। तो चलिए तो फ्रेंड्स, ये बात उतनी ही सच है। कौन सी बात सच है ये आप लोग वीडियो में बने रहना, मैं आप लोग को बताती हूँ। ये बात उतनी ही सच है जितनी कि हवा में ऑक्सीजन। हाँ फ्रेंड्स, जिसने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया उसने अपने आप को भी पहचान लिया। और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को अगर पहचान लें तो उस समय से दुनिया की सारे काम इतना ईजिली सिंपल हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। जब हमें पता है कि अगर हम ये काम ना करें तो फिर आगे का काम हम नहीं कर सकते, आगे का काम हमारा बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर आगे का काम आगे और बढ़ाने के लिए पीछे वाला काम पूरा करना और पीछे वाला काम समय से पूरा करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए, जितने भी लोग हैं। तो कल है जन्माष्टमी, तो कृष्ण जी का जन्मदिन है, उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो जा रही है। तो बहुत जगह आज भी है और कल भी है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी दो तिथि में पड़ता है, दो दिन पड़ जाता है। तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी की तो तैयारी हो ही रही है और कृष्ण जन्माष्टमी से ही सारे त्यौहार अब शुरू होने वाले हैं। पहले कृष्ण जन्माष्टमी आएंगे, फिर तीज आएगा, तो तीज की भी तैयारी करनी है। तो हमें तो भाई तीज की तैयारी करनी है और जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी है। तो चलिए आज दोनों तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दिए। नाश्ता तो बन गया और खाना भी हम लगे हाथ बना के अपने आप को फ्री किए किचन से जल्दी आज, क्योंकि मुझे बाहर का बहुत ज़्यादा काम आज निपटाना है। तो सबसे पहले तो अपना यहाँ कटिंग कर लिए ब्लाउज का, क्योंकि आज से ही तीज का तैयारी शुरू कर दे रहे, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। फिर पता चला कि तीज आ गया और मेरा अभी तक पूरा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर कैसे क्या होगा। इसीलिए समय पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बेस्ट टाइम टेबल होना, और बनाना ही नहीं उसे फॉलो भी करना। बहुत से लोग ख्वाबी पुलाव बनाते रह जाते हैं, ये बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि ख्वाबी पुलाव बनाते हैं, लेकिन जो ख्वाबी पुलाव बनाते हैं वो खाते नहीं हैं। लेकिन ये बात भी गलत है, जो ख्वाबी पुलाव बनाते हैं वही ख्वाबी पुलाव खाते भी हैं, भले ही ख्वाब में खाएं लेकिन खाते हैं। उन्हीं का काम पूरा भी होता है जो काम पहले से सोच के रखते हैं, एक अच्छी टाइम टेबल से अपना काम अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, वही काम अच्छे से पूरा भी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो थोड़ा सा सिलाई विलाई कर लेते हैं, आज शुरू ही कर देते हैं क्योंकि आज अच्छा दिन है। आज अगर शुरू करेंगे तो ये जल्दी पूरी होने की संभावना होती है, ऐसा मुझे लगता है, अपने मन में लगता है कि कोई भी काम अगर अच्छे दिन शुरू करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर कटिंग तो हो गई थी, अब थोड़ा सा हम इसको सिल के यहाँ पर छोड़ देंगे। पूरा तो कम्प्लीट आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे कल की पूजा की भी थोड़ी सी तैयारी आज कर लेंगे, थोड़ी सी क्या आधा से ज़्यादा तैयारी आज ही कर लेंगे। वैसे तो लड्डू गोपाल है नहीं, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं है तो क्या हुआ, ठाकुर जी तो हैं। ठाकुर जी, लड्डू गोपाल सब एक ही, मतलब सब विष्णु जी का ही रूप है, तो उन्हीं का स्वरूप है। तो पूजा तो आप किसी भी, मतलब ठाकुर जी का कीजिए या फिर लड्डू गोपाल का कीजिए जन्माष्टमी में, तो वो तो करना ही है। और पूजा पाठ कीजिए या फिर कोई भी भगवान हो, कुछ भी हो, प्रसाद में या फिर तैयारी में अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाव में और श्रद्धा में वो उसमें कमी ना रहे, बस यही कोशिश है। तो चलिए थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत तैयारी क्या करते हैं ये आप लोग देखिए।
तो पहले तो दूध ले लिए और तैयारी लेट से शुरू किए क्योंकि मेरा दूध लेट आता है, आप लोगों को तो पता ही है, जो फ्रेंड मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि मेरा दूध थोड़ा लेट आता है। तो दूध ले लिए और ये जो कटोरा में दूध बाहर नीचे रखा हुआ है ना, ये कल का दूध है। तो कल का दूध भी हम बचा कर फ्रिज में रख दिए थे कि प्लानिंग चल रही थी, हम बोले ना आप लोग को पहले ही कि मेरी प्लानिंग चलती है, मेरी ये चलते रहता है दिमाग में कि ऐसे 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 करना है काम, तो वो प्लानिंग चल रहा था, इसलिए कल वाला दूध भी हम कटोरा में रखे थे और आज वाला दूध दोनों को मिला के हम इसका बनाने जा रहे हैं। एक मिठाई बना दे रहे हैं, कुछ भी एक मिठाई बनाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कल के लिए, तो मिठाई तो आज बना के रख सकते हैं और बाकी जो कुछ बनाना होगा उसे कल ही बनाएंगे सुबह। तो ये जन्माष्टमी का एक दिन पहले का ब्लॉग है, तो बस यहाँ पे और यहाँ पे हम लेके बैठे, ये जो पीला पीला टोकरी में कपड़ा दिख रहा है ना, ये हम लेके बैठे हैं आज ठाकुर जी का ये बनाएंगे, तकिया मतलब मशालंद और तोशक बनाएंगे, नया कपड़ा खरीद के लाए हैं और इसको आज बैठ के यहाँ, बहुत दिनों से हम सोच के ही रखे थे कि बना देंगे लेकिन बना नहीं पा रहे थे, वैसा कुछ मतलब टाइम मिल नहीं रहा था और आज मुझे यहीं का काम है, बहुत देर तक अभी यहीं रहेंगे पूजा रूम में ही, तो जब यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ का और भी जितना काम सोचे हुए हैं दिमाग में वो सब निपटाते ही चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मशालंद बनाने की भी तैयारी हो रही है, और ये जो रुई देख रहे हो ना आप लोग, ये रुई पहले का है, ये शिमर का रुई है और ये मतलब बैठ गया, रुई तो बैठ ही जाता है ना, तो उसको पहले हाथ से इसको ऐसे 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 करके धुन लिए, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पतला कर लिए, उसके बाद इसको छोटा छोटा हम सिले हैं दो, और इसे मशीन में नहीं सिले क्योंकि मशीन में बहुत छोटा सा है ना, तो मशीन में सिलने में थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ बैठे बैठे हाथ से ही हम सिल दिए। और ये देखिए खोआ हमारा बन गया खोया, और यहाँ पे चीनी भी डाल दी है, और जब तक ये ठंडा होगा क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम इधर मशाला तकिया का भी काम कर लेते हैं ठाकुर जी के लिए। और अभी ये भी लगभग लगभग बन ही गया था, तो बहुत छोटू सा बनाए थे, बहुत स्वीट और क्यूट सा लग रहा था, बनाए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने से। ये देखिए आप लोग भी देख लीजिए, ये दो छोटे छोटे मशालंद हैं और ये एक गद्दा है तोशक, तो कल ठाकुर जी को इसी पे विराजमान करवाएंगे ठाकुर जी का पूजा करके। और यहाँ पे बन गया था मेरा पेड़ा भी, तो पांच छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं और उसके बाद फिर जो जैसा हुआ वैसे हम बना के रख दिए। तो चलिए यहाँ का तो काम आज सारा निपट गया, लगा दो ढाई घंटे लग गए मुझे यहाँ का काम निपटाने में। यहाँ का काम निपटाने के बाद यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी नाश्ता करके और थोड़ा बहुत काम करके ही बैठे थे, तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो हो रही है थोड़ी सी लंबी लेकिन आज की वीडियो बहुत छोटी है, आप लोग की फिर शिकायत आएगी कि दी आपका वीडियो बहुत छोटा रहता है, लेकिन क्या करें आज का वीडियो थोड़ी छोटी हो ही गई। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो भी एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।